ब्रांडेड फॉल्स, अगर एक गलती दिखाई दे, रुके हुए हैं एक गलती देखने के लिए। हम नहीं बोल रहे कि देर आर नॉट फॉल्स प्रॉफिट्स, हैं, लेकिन उनमें आपको अनेक चीज गलत दिखाई देगा। लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग शायद अज्ञान हैं, जो लोग कोई संघर्ष में हैं, लेकिन उनको ब्रांड कर दे रहे हैं फॉल्स, राइट। परमेश्वर उन्हीं, A.W. Tozer ने कहा, गॉड टेल्स द मैन हु केयर्स, परमेश्वर उस व्यक्ति को बता सकते हैं जो चिंता करता है। पौलुस बोला फिलिपियों का 2:20, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी, शुद्ध मन से यानी कि गॉसिप का मन नहीं है उसके अंदर, शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। पौलुस, तुम कितने लोग के साथ, तुम्हारे कितने सहकर्मी हैं, बहुत, कितना चर्च एस्टैब्लिश किया हो, बहुत, कितना लोग को चेला बनाया हो, बहुत, और कितना लोग हैं जो शुद्ध मन से कलीसिया के बारे चिंता करते हैं, एक कौन, टिमोथी, दैट्स व्हाट गॉड वांट्स। कौन है जिसके लिए इन्फॉर्म, नहीं हमको किसी का गॉसिप नहीं करना है, गॉड कैन नॉट इवन शेयर विथ यू, गॉड नीड्स अ पर्सन जिसको वो बता सके, जो इंटरसेशन में जा सके, जो मध्यस्थी में जा सके, तब परमेश्वर अपना बोझ आपके दिल, गॉड कैन शेयर हिज बर्डन विथ यू, अदरवाइज यू आर प्रैक्टिकली यूजलेस। आई टेल यू व्हाई, हम जब जिम जाते हैं और हैवी वेट्स उठा रहे हैं, उस समय डू यू थिंक हम संडे स्कूल का कोई बच्चा को ले जाएंगे एंड बोलेंगे कि हेल्प करो हमको, हम 60 किलो उठा रहे हैं, तुम पीछे से देख लेना अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है तो, अगर हमको चोट नहीं लगे वो तो गया, राइट। आई मोस्ट प्रॉब्ली नीड अ पर्सन हु स्ट्रॉन्गर देन मी वहां पे। परमेश्वर अपना बोझ क्या नए वैसे विश्वासियों के साथ शेयर कर सकते हैं जो एकदम बालक हैं, जो कमज़ोर हैं, यानी कि जो लोग बहुत समय से मसीह में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग अपने बारे, अपना 500 ग्राम के बारे चिंता करते रहते हैं, प्रभु कब मेरा ये होगा, कब मेरा वो होगा, कब मेरा मेरा मेरा, कैन गॉड ट्रस्ट दीज बिलीवर्स, नो ही कैन नॉट। परमेश्वर उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनसे लगातार वो बात कर रहे हैं, और यीशु, और वो लोग परमेश्वर के वचनों पे ध्यान दे रहे हैं, और जब परमेश्वर देखे ये मेरा वचन कोई ऊंचा दर्जा दिया है, इसके लिए वो ज़रूरी है जो मेरे लिए ज़रूरी है, इसका मन अब मेरा मन वचन के द्वारा बदलते जा रहा है, और इसका मन अब मेरा मन जैसा हो गया, यानी कि मेरा चिंता अब इसके अंदर है, अब हम और भी गहरा बोझ इसके कंधा पे, इसका दिल में डाल सकते हैं, क्योंकि ये मेरा जब सुनेगा ये वाला वचन को, ये मेरा दिल हम जब इसको खोल के दिखाएंगे, आज रात ये कंबल ओढ़ के सोएगा नहीं, बाकी लोगों को दिखाएंगे लोग कंबल ओढ़ के सो जाएगा, ये व्यक्ति नहीं सोएगा, क्यों, क्योंकि इसका मन अब बदल गया है, क्योंकि इसको तुम महल में डाल दो ये सोएगा नहीं, ये सोएगी नहीं, क्योंकि इसको चाहे जो भी जॉब दे दो, जितना भी प्रमोशन दे दो, नहमाया जैसा एकदम पीक में पहुंच गए हैं करियर का, लेकिन चेहरा लंबा है, क्यों, यरूशलेम के फाटक जल गए हैं, यरूशलेम का शहर पना जल गया है, हम कैसे, कितना कितना मील दूर हो, हजारों मील दूर हैं, लेकिन फिर भी हम उदास हैं, फिर भी मेरा खुशी, मेरा चैन, मेरा सुख चला गया है, क्यों, परमेश्वर स्वर्ग में है और उनका मंदिर टूटा हुआ, जहां पे उनका घर है वहां पे कुछ भेंट, वहां पे कुछ बलिदान, वहां पे वो आग नहीं चल रहा है, और आज परमेश्वर का मंदिर क्या है, तो क्या हम लोग देख नहीं पाते हैं कि यरूशलेम टूटा हुआ है, क्या हम लोग देख नहीं पाते हैं कि फाटक जला हुआ है, कि हम लोग नहीं देख पाते हैं एक दूसरे का जिंदगी को, कि हम लोग कलीसिया का स्थिति को नहीं देख पाते हैं, कि हम लोग कलीसियाओं का स्थिति को नहीं देख पाते हैं, कि हम लोग सेवकों का स्थिति और सेवकों का और पासवानों का स्थिति को नहीं देख पाते हैं, कि हम लोग सेवकाई का स्थिति को नहीं देख पाते हैं, देख पाते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहमाया नहीं मिलता है, परमेश्वर को एज़रा नहीं मिलता है, एक जो रोए और दूसरा जो वचन में जाए और ढूंढे वचन, क्योंकि क्योंकि वो जानता है कि एक ही चीज़ बदल सकता है, इन जैसा आई ऑलवेज से देखो यू
एक होता है अवेयरनेस रेज करना, यू नो सम रेप हैज हैपेंड एंड यू सी कि लॉज अच्छा नहीं है, कंट्री का लॉज अगर अच्छा नहीं है, कंट्री में सिस्टम अच्छा नहीं है, एक होता है अवेयरनेस रेज करना, दूसरा होता है यू नो व्हाट आई विल बिकम द लॉयर, आई विल गेट इनटू द सिस्टम, और हम अंदर से उसको बदलने की कोशिश करेंगे, बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे. देयर वॉज अ नहमाया, देयर वॉज एन एज़रा. वी नीड बोथ, वी नीड बोथ. वॉट वी डोंट नीड इज डेविल्स हु विल जस्ट अक्यूज द ब्रेदरन. वी नीड बोथ. एक जो प्रार्थना करे और एक जो डिसाइड करे, एक जिसको परमेश्वर बोझ दिया, देखो एक ही चीज़ सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा और उसके लिए एज़रा को जाना पड़ेगा सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर, एंड ही विल हैव टू प्रीच द वर्ड. वी नीड पीपल लाइक दैट, जो घंटों घंटों प्रार्थना में समय दे पाए, जो घंटों घंटों वचन में समय दे पाए, दोनों ऐसा. एंड मिनिस्ट्री इज नेवर कॉम्पिटिशन. नहमाया कभी भी एज़रा से जेलस नहीं हुआ, ना कि एज़रा नहमाया से जेलस हुआ. इट इज़ ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेशन. हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट यानी कि हाँ पूरा करना, एक दूसरे को पूरा करना, अपना वरदान जानना कि जो हम लोग को दिया गया है, वो बोझ जानना और वो बोझ का अगुवाई के अनुसार एक दूसरे वो परमेश्वर का बुलाहट को पूरा करना, और ये जानना कि हम लोग एक दूसरे के अंग हैं, इसलिए सहभागिता का ज़रूरी है. मुझे आपका ज़रूरत है, आपको मेरा ज़रूरत है. मैं अपना बुलाहट आपके बिना नहीं कर सकता, आप अपना बुलाहट मेरे बिना पूरा नहीं कर सकते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट अटेंडिंग चर्च ऑन संडेज, इट इज़ मच मोर देन दैट, इट्स अ मच बिगर पिक्चर, इट्स मच मोर पर्सनल. बहुत गहरा चीज़ है ये चर्च. इसके लिए यीशु मसीह मरे थे, एंड यीशु मसीह बोले यही वो एक चीज़ है जो नरक के फाटक को तोड़ डाल सकता है. नरक के फाटक इस चीज़ पे प्रबल नहीं होंगे. क्या चीज़? विश्वासी पे नहीं, चर्च पे, चर्च पे. और ये वो चीज़ है जिसको यीशु मसीह बोले चट्टान पे यीशु मसीह बना रहे हैं, चट्टान पे यीशु मसीह बना रहे हैं. एंड अगर आप चाहते हैं कि नरक के फाटक आप पर प्रबल ना हो, वेयर डू यू नीड टू बी? यू नीड टू बी इन दैट चर्च जो यीशु मसीह बना रहे हैं, जो मनुष्य नहीं बना रहे, जो यीशु मसीह बना रहे. एंड यू रियलाइज कि कलीसिया वो चीज़ है जिस पर सबसे ज़्यादा अटैक रहेगा, और आपके ऊपर अटैक रहेगा आपको कलीसिया से निकालने के लिए, नॉट डिनोमिनेशन से निकालने के लिए. कलीसिया, दैट्स व्हाई आई डोंट वरी अबाउट पीपल, जो हम कल बोल रहे थे, आई डोंट रियली वरी अबाउट पीपल हु लीव द चर्च, हु फॉल अवे फ्रॉम द चर्च. नहीं चिंता करते हम उन लोगों के बारे जो लोग कलीसिया को छोड़ देते हैं, कलीसिया से पिछड़ जाते हैं. हम उनके बारे चिंता करते हैं जो लोग कलीसिया में गिर जाते हैं, हु फॉल अवे इन द चर्च, जो लोग चर्च में होते होते गिर जा रहे हैं, उनके बारे में हम घबराते हैं और मेरा चैन खो जाता है. ये नहीं कि जो लोग फाइनली चर्च को छोड़ दिए हैं, नहीं, वो लोग कलीसिया में पहले गिर गए थे, एंड जब तक गिर रहे थे आई वॉज वरीड. After that I can't do anything. And after that it's fruitless. लेकिन जब तक कलीसिया में है तब तक definitely prayer, घबराना, सब कुछ चिंता करना. You know why? शैतान एक चीज़ है जो शैतान भी जानता है, वो वाला चीज़ कलीसिया वो चीज़ है जो हमको हरा सकता है, जो नरक का फाटक को तोड़ सकता है. एंड जब पौलुस को एक व्यक्ति को डिसिप्लिन करना था, सिखाना था, यू नो वो क्या किया? कोरिंथ का कलीसिया में क्या लिखा हुआ है? कलीसिया से बाहर कर दो. व्हाट डज दैट मीन? विल गो टू दैट वर्स. पांचवी पद, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए. क्या मतलब? ये लोग क्या वहां पे शैतान को बुलाते, एक वेदी खड़ा करते हैं क्या? कलीसिया के पास्टर वहाँ पे एक तो नया वेदी खड़ा करते, शैतान आओ करता क्या? नहीं. व्हाट वाज ही सेइंग? ताकि उसकी आत्मा यीशु के दिन में उद्धार पाए, लेकिन शैतान को सौंपा जाए उसका शरीर का विनाश के लिए. व्हाट इज ही सेइंग? चर्च से निकाल दो, चर्च से निकाल दो. व्हाई? व्हाई? व्हाट इज द चर्च? व्हाट इज द बॉडी? व्हाट इज, हाउ इज इट रिलेटेड टू शरीर का विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए? वो पाप में है, एंड क्या चीज उसको अभी तक बचा के रखा हुआ है? चर्च. चर्च उसको बचा के रखा हुआ है. वही
उसका प्रोटेक्शन इज जस्ट कमिंग बिकॉज ऑफ चर्च मेंबरशिप. एंड वो चर्च मेंबरशिप को क्या अब लिया है? नथिंग. हम पाप कर रहे हैं, मेरा डबल लाइफ है, बट नो प्रॉब्लम, आई हैव माई चर्च अटेंडेंस. वेन दैट हैपन्स, जब एक विश्वासी एक डबल लाइफ जी रहा है और चर्च अटेंडेंस पे घमंड कर रहा है, यू नो, तब पास्टर्स को एक डिसीजन लेना होता है, आउट. व्हाई? इट इज द कवरिंग ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. क्योंकि हम लोग याद रखिए, परमेश्वर जब पौलुस से मिले दमिश्क के रास्ता में, वहां पे यीशु मसीह उसको क्या बोले? तुम मुझे कलीसिया क्यों सता रहे हो? नहीं, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? चर्च इज प्रोटेक्टेड बिकॉज वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. एंड वो बॉडी में अगर कोई है, डबल लाइफ जी रहा है, ज्योति में नहीं चल रहा है, ज्योति में सो रहा है, डबल लाइफ जी रहा है, छुपा के रखा हुआ है, मीटिंग्स में एक चीज, मीटिंग के पीछे दूसरा चीज, गॉड सेज सेंड दैट पर्सन अवे. व्हाई? तब शैतान उसको अटैक करेगा, क्योंकि एक ही चीज उसको शैतान से बचा के रखा हुआ था, चर्च. चर्च, चर्च उसको बचा के रखा हुआ था. व्हाई? उसका नाश के लिए नहीं, उसका शरीर का नाश के लिए. उसका शरीर का नाश के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो घमंड आ गया ना, हम शरीर में भी चलेंगे, हम सब कुछ छुपाएंगे, हम डबल लाइफ जिएंगे, एंड आई विल कम टू चर्च. नो, यू विल नॉट कम टू चर्च एनी मोर, यू आर आउट. शरीर का नाश. यू रियलाइज चर्च इज नॉट जस्ट अटेंडेंस. यहां पे क्या मिल रहा है हम लोग को? प्रोटेक्शन मिल रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ द पास्टर, बिकॉज ऑफ द हेड जीसस क्राइस्ट. इट्स वेरी डेंजरस, इट इज अ वेरी डेंजरस थिंग. एंड ये मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए मेरा अधीन रहो. नो, नॉट बिकॉज दैट. हम खुद, क्योंकि मैं खुद अपना जिंदगी में देखा हूँ कि शैतान कितना कोशिश किया था, ठोकर के द्वारा, झूठा इल्ज़ाम के द्वारा, चर्चा के द्वारा. भाई छोड़ो, छोड़ो चर्च में एक देह होना, छोड़ो एक देह होने का ये चीज़, छोड़ो 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 छोड़ो, जस्ट धीरे धीरे करके बैकस्लाइड करो और चर्च से दूर होते जाओ, डबल लाइफ जीते रहो, छुपाते जाओ. लेकिन एक चीज़ हमको, आई डोंट नो वो कैसे डिसिप्लिन, डेफिनेटली बाई गॉड्स ग्रेस एंड बाई एनकरेजमेंट ऑफ अदर बिलीवर्स, हैदराबाद में वो मेरे अंदर आया कि आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट. हम चर्च के एल्डर्स को, पास्टर को और उनकी वाइफ को जाके हम क्लियरली, चाहे मैसेज के थ्रू, चाहे ईमेल के थ्रू, चाहे घर में खटखटा के, लेकिन मुंह नहीं दिखा सकते तो ईमेल लिखेंगे, लेकिन सच बताएंगे अपना जीवन के बारे. दूसरा जीवन नहीं जिएंगे उनके पीठ के पीछे. अगर जी रहे हैं तो ज्योति में जिएंगे, क्योंकि ज्योति में अगर जिएंगे तब यीशु मसीह का लहू मेरे पाप को शुद्ध कर रहा है, और मेरा एक आशा है कि मैं छुटकारा पाऊंगा, कि मैं छुटकारा पाऊंगा. ये नहीं कि आप चर्च में खुलेआम पाप कर रहे हैं तो, नहीं, आई एम नॉट अबाउट दैट. लेकिन वी विल आई नॉट जस्टिफाई, छुपाएंगे नहीं, जस्टिफाई नहीं, अपने आप को दोषमुक्त नहीं करेंगे, अपने आप को दोषमुक्त नहीं करेंगे, बस अटेंड नहीं करेंगे, गहरा जाएंगे. यूहन्ना का 3:19, you should not escape from light. Please, हाँ, चर्च में आप जितना गहरा जाएंगे उतना एक दूसरे से हम लोग ठोकर खाएंगे, शायद एक दूसरे को हम लोग खरोंच देंगे, एक दूसरे का प्राण को हम लोग खरोंच देंगे, लेकिन आप ज्योति से और संगति से मत भागिए, क्योंकि वहीं पे यीशु मसीह का लहू काम करता है. यीशु मसीह का लहू काम कहाँ काम करता है? वही 1 John 1:7, ज्योति में चल रहा है. ऑलवेज रिमेंबर, जो ज्योति में चल रहा है और जो सहभागिता में चल रहा है वहीं पे ही, देर इज नो अदर ऑप्शन, देर इज नो, हम घर में सुनते हैं गॉड टीवी ऑन करके, नहीं. शुरुआत में काम किया होगा, लेकिन अगर आपको ज्योति मिल गया है क्योंकि आप सुने गॉड टीवी से, एंड इफ यू आर नॉट फाउंड इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आई एम सॉरी, देर इज नो ग्रोइंग विदाउट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट. डू यू सी इट इन द न्यू टेस्टामेंट हैपनिंग, कि कोई अचानक से कोना में एक विश्वासी अपना बढ़ रहा है? नहीं. They were always connected to the body of Christ. जेल में क्यों नहीं सड़ रहा हो? खत जा रहा है body of Christ के पास. पौलुस देखा नहीं है लौदीकिया की कलीसिया को, अपने आंखों से बोल रहा है मैं शरीर से उनको देखा नहीं हूं, लेकिन मैं उनके लिए संघर्ष कर रहा हूं. He is joined to the body of Christ. And जब तक वो सहभागिता नहीं रहेगा, I'm telling you, cleansing नहीं हो रहा है. And that is why हम लोग बहुत सारे पाप पे जा नहीं पा रहे हैं,
भाई, क्योंकि विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। गलातियों का 5:6, विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। यू वॉन्ट टू ग्रो इन फेथ, यू देर इज अ पॉइंट जब ज्ञान के द्वारा नहीं, अब आपको बस प्रेम के द्वारा ही आप बढ़ पाएंगे और आगे। वाई? बिकॉज गॉड इज लव, गॉड इज लव। परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। और प्रेम कैसे प्रकट होता है? जब हम लोग एक दूसरे का बोझ उठा रहे हैं, एक दूसरे को भरोसा कर रहे हैं अपना कमजोरियों के साथ, अपना अतीत के साथ, अपने कमजोरियों के साथ, अपने खूबियों के साथ नहीं, अपने कमजोरी और अपने निर्बलताओं के साथ, कि दिस इज द फ्रेजाइल पार्ट ऑफ माई लाइफ, मेरा कमजोरी, मैं गिरा और टूटा हुआ हूं, मैं आपका जिंदगी में आपका हाथ में दे रहा हूं। एंड वी रिस्पेक्ट दैट बिलीवर जो ऐसा करता है, एंड वी टेक दैट फ्रेजाइल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, जो वो लोग अपना अतीत बताए, वो लोग अपना कहाँ कहाँ गिर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उसको लिए। वाई? बिकॉज इट इज अ वेरी फ्रेजाइल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, बहुत ही कीमती, बहुत ही जल्दी टूटने वाला हिस्सा है उनका जीवन का। एंड वी प्रोटेक्ट इट एंड वी कवर इट, और सबके सामने डिस्प्ले नहीं करते हैं, देखो ये कितना टूटा हुआ व्यक्ति है, देखो ये कितनी टूटी हुई व्यक्ति है, देखो ये ऐसा है, देखो ये वैसा है। नहीं नहीं नहीं, वी कवर इट, वी प्रोटेक्ट इट, जो ज्योति में चल रहे हैं। वाई? बिकॉज गॉड इज लव, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। एंड यू नो वॉट, लव का द बिगेस्ट थिंग ऑफ लव, दो चीज़ आई विल से, डिसाइपलशिप एंड फ्रेंडशिप। डिसाइपलशिप, क्योंकि ग्रेटर लव हैज नो मैन देन दिस, दैट ही ले हिज लाइफ डाउन फॉर हिज फ्रेंड्स, कि वो अपने मित्रों के लिए अपना जान दे दे, इससे बड़ा प्रेम और है ही नहीं। एंड डिसाइपलशिप, बिकॉज गॉड इज लव एंड गॉड मेड, जीसस मेड डिसाइपल्स, लव मेक्स डिसाइपल्स, लव मेक्स डिसाइपल्स। एंड जीसस अपने चेलों को बोले, मैं तुम्हें दास नहीं कहता हूँ, मित्र कहता हूँ। अ फ्रेंडशिप विच इज नॉट वर्ल्डली फ्रेंडशिप, डिसाइपलशिप फ्रेंडशिप, दैट इज आई बिलीव वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ लव। एंड आई एम टेलिंग यू, वो एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसको आप एंजॉय करेंगे मोर देन सेक्शुअल रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड एंड वाइफ। ऑनेस्टली आई विल टेल यू वाई, क्योंकि दाऊद बोलता है जब उसका दोस्त योनाथान मर गया, कि तुम्हारा प्यार स्त्रियों का प्रेम से ज्यादा था, योर लव वॉज ग्रेटर देन द लव ऑफ विमेन, इट्स अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ लव, वेर यू विल हैव अ प्योर लव फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। डू यू एंजॉय दैट लव? क्या आप वो प्रेम का हकीकत में जी रहे हैं, या क्षमा करने में मुश्किल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है? पॉल हमेशा ये बोला, व्यवस्था का काम है ताकि हम एक सच्चे दिल से प्रेम कर पाए, सच्चे दिल से प्रेम कर पाए। और अगर आपको दिखाई दे रहा है आपके दिल में वो सच्चा प्रेम नहीं है, आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, कड़वाहट है, प्रभु दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चलो उसको शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, वो समय नहीं है आपको सहभागिता से भागना है। इट्स लाइक इफ माई वाइफ जो डॉक्टर है, शी कॉल्स अ पेशेंट एंड सेज दैट, क्या आप आए नहीं अपॉइंटमेंट के लिए? नहीं, हम बीमार थे। व्हाट नॉनसेंस, बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, राइट? अगर आप बीमार हैं, अगर दिल में क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, अगर कड़वाहट है, तो ये समय नहीं है कि आप संगति से दूर रहे, ये समय है कि आप और भी संगति में रहे, ये समय नहीं है कि आप बाइबल नहीं पढ़े अगर आप पाप में गिरे, ये समय है कि आप और भी प्रभु के करीब आए। It's as foolish as saying कि हम बीमार हैं इसलिए I'm not going to the hospital. योहन्ना का 3:19, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। That's the problem. पुराना मनुष्यत्व का यही problem है कि अंधकार का काम ज्यादा पसंद आता है, ज्यादा पसंद आता है। पुराना मनुष्य को बहुत पसंद है अपना पाप को छुपाना, अपना डबल लाइफ, अपना संसारिकता को छुपाना, अपना इधर उधर जाना, ये वो सब कुछ को छुपा के रखना, हार्ट प्रॉब्लम्स को, डोंट हाइड इट फ्रॉम योर डॉक्टर। सिमिलरली जो भी आपका दिल का जो बोझ है, आपका चिंता, आपका बोझ, आपका कड़वाहट, किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, ये सब क्या का प्रॉब्लम है? दिल का प्रॉब्लम है। Don't hide it from
द चर्च. एंड वॉट आई मीन इज इन द राइट, ये नहीं कि आपको टेस्टिमनीज टाइम बताना है, वॉट नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट चर्च में जो रिस्पॉन्सिबली जो शेयर करना है वो करिए. यू नो वाई नॉट, ताकि वन पर्सन, ताकि चर्च हेड हैवी हो जाए और पास्टर को सबके बारे सब कुछ मालूम है ना, नॉट बिकॉज दैट, बट बिकॉज ये सहभागिता में ही वी विल सी द ब्लड ऑफ जीसस वर्किंग पावरफुली. वो सहभागिता में हम लोग देखेंगे कि पावरफुली ये काम करेगा, जब हम लोग अपना दिल खोलेंगे और ये जानेंगे कि हम लोग सब टूटे हुए हैं. दूसरा चीज, यू गो टू अ डॉक्टर, डोंट हाइड योर शुगर प्रॉब्लम, राइट, डोंट हाइड योर एडिक्शंस टू थिंग्स विच आर स्वीट टू योर फ्लैश. जो आपका शरीर को आसानी से पसंद हो जाता है, डोंट हाइड दैट फ्रॉम योर पास्टर, डोंट हाइड दैट फ्रॉम अदर बिलीवर्स, स्पेशली मैच्योर एल्डर्स, छुपाइए मत. जो जो एडिक्शंस जो आपका शरीर को मीठा लगता है, बिकॉज ज़्यादा चीनी जहर है, थोड़ा थोड़ा करके मार रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मार रहा है. पहला पत्रस का 2:11, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो. वो अभिलाषा जो आपका आत्मा से युद्ध कर रहा है, यू नो योर फ्लैश लव्स वॉचिंग टीवी, लव्स गेटिंग एंटरटेन्ड. जब आप थके हैं यू लव पुटिंग ऑन एक्साइटिंग थिंग्स ऑन यूट्यूब और वॉट एवर. उस समय आपका मन जब थका हुआ है, यू वॉन्ट टू वॉच ऑल दैट. एंड योर स्टमक लव्स फूड. फास्टिंग नहीं हो रहा है तो फिर लोग से, हाँ मुश्किल हो रहा है ना फास्टिंग. याद है आइजैक अंधा हो गया था, लेकिन एक चीज तो दौड़ रहा था, पेट, पेट में चूहा दौड़ रहा था. मटन दो, ब्लेसिंग लो, ब्लेसिंग फॉर मटन, और आशीष दे दिया. वो जानता है उसको ईसाओ को नहीं देना है, याकूब को देना है, लेकिन आई बिलीव हम तो कभी नहीं पाते उससे ब्लेसिंग, कुछ नहीं पका सकते हैं, लेकिन मैनी ऑफ यू इमिडिएटली ब्लेसिंग मिल जाता, बस उसको उसका मटन चाहिए था एंड वो ब्लेसिंग दे दिया गलत व्यक्ति को. उसका बेटा याकूब, वो भी उसका ज़िंदगी के अंत में अंधा था. इसहाक भी अंधा, उसका पिता भी अंधा, ये भी अंधा, लेकिन याकूब का पेट में चूहा नहीं दौड़ रहा था. वो अंधा है, लेकिन वो सही बेटा को आशीष दिया, सही बेटा को. उसका बेटा उसके सामने दो अलग अलग अपना दोनों बेटा को लाया और वो जान गया कि नहीं, इस मेरा दाहिना हाथ उसके ऊपर आना है, मेरा बायां हाथ इसके ऊपर आना है. जो भी वो देख नहीं सकता था. क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति उपवास करना सीख गया था याकूब. कैसे? पूरा दुनिया में अकाल था, वो अकाल से आया, वो अकाल से आया हुआ व्यक्ति है. उसको अब मटन के लिए उतना भूख नहीं है जैसा कि इसहाक को था, एंड ये फास्टिंग कर सकता है. एंड क्योंकि ये अपना शरीर को मारना सीख गया था, इसीलिए उसका आँख, आत्मिक आँख तेज है, उसका आत्मिक आँख तेज है. गलातियों का 6:8, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, यहाँ पे देखिए, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा में जो बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा. वॉट इज दैट वन थिंग जिसको वॉट आर दो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जिसको आप छुए तक नहीं है? फास्टिंग, प्रेयर. बहुत समय हो गया है कि आप रियली यू आर नॉट डूइंग दोज थिंग्स. फोन से अलग रहना. फिलिपियों का 3:18, क्योंकि बहुत तेरे ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार किया करता हूं और अभी रो कर कहता हूं
कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। नेक्स्ट वर्स, अगला पद, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वो अपनी लज्जे की बातों पर घमंड करते हैं। यू नो व्हाट, ये वो पहला एपेटाइट है, ये वो पहला भूख है जिस पे अगर आप काबू नहीं पाएंगे, अगर इस पे आप पेट पे काबू पाना सीख गए, आप बाकी अभिलाषाओं पे भी धीरे धीरे करके काबू पा सकते हैं। पहले अपना पेट पे काबू पाना सीखिए, पहले अपना पेट पे। बहुत विश्वासियों के लिए मतलब एक फास्टिंग उनके लिए एक विदेशी शब्द है, इट इज़ लाइक ग्रीक एंड लैटिन। ये क्या होता है? नो, इट शुड नॉट बी। आपका योर स्टमक शुड नॉट बी डिक्टेटिंग यू, योर स्टमक शुड नॉट बी डिक्टेटिंग यू। एंड सैडली बहुत सारे पास्टर्स को शुगर, ये वो, क्या क्या प्रॉब्लम हो गया है। वाई? दे लव टू ईट आउटसाइड, दे लव टू ईट, बाहर खाना पसंद, खाना तो बहुत ही पसंद है। आई एम नॉट सेइंग खाना बुरा है या खाना पाप है, लेकिन क्या आप देखें बाइबल में कितने लोग खाना की वजह से फंसे? शुरू कीजिए अपनी माँ से, हवा, खाना, ईसो, खाना, इसाक, खाना, सब का सब खाना के वजह से फंसे। कितना बार क्या परमेश्वर, कैन गॉड फाइंड पीपल यहाँ पे? देखिए, बोझ एक चीज़ है, दूसरा चीज़ डिसिप्लिन। आपका दिल में बोझ है कलीसिया के लिए, कंग्रेचुलेशंस। क्या आपका शरीर डिसिप्लिन्ड है? अगर शरीर में वो डिसिप्लिन नहीं है फास्टिंग का, तब इवन इफ योर मदर या योर ब्रदर और योर फादर घर में अनबिलीवर है, लेकिन आप उनके लिए फास्टिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? प्रभु मेरे माँ को बचाइए, मेरे माँ को बचाइए, बेटा आ जाओ, खाना लगा दिए हैं, हाँ मम्मी आ रहे हैं। यू कांट रेजिस्ट। बोझ से प्रार्थना कर रहे हैं, आया स्मेल, खत्म, दी एंड, बोझ खत्म। अब बोझ वहां से, लेकिन यहां पे भूख आ गया है, दिल का भूख खत्म, पेट का भूख शुरू। वे लाफिंग अबाउट इट, बट दिस इज वाई गॉड डिस्क्वालिफाइज अस एंड सेज, कहां से तुमको इस्तेमाल करेंगे? पेट का चीज के पीछे तो भागते हो। एंड बिलीवर्स, फास्टिंग प्रेयर नहीं, बर्थडे पार्टी आओगे? हाँ, बोलिए ना कब, ये हैंग गेट टुगेदर है, खाने वाला, कोई भी खाना से जुड़ा हुआ मीटिंग है, बाहर घूमने से जुड़ा हुआ मीटिंग है, वो लोग मौजूद रहेंगे। फास्टिंग प्रेयर, अभी काम ना बिजी हो गया है, अभी ज़्यादा काम हो गया है, अभी घर में परमिशन नहीं मिल रहा है, अभी बहुत सारा बहुत प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन जो भी जहाँ पे आत्मा का उतना काम नहीं है, वो सब गेट टुगेदर सब में एकदम मौजूद रहेंगे। आई यूज टू गो टू अ चर्च जहाँ पे बाप रे, यू वुड गेट कोल्ड कॉफी एंड क्या क्या नहीं मिलता, एकदम बर्गर्स मिलता जस्ट आफ्टर संडे चर्च। नो वंडर नोबडी वाज कमिंग फॉर फास्टिंग एंड प्रेयर। हाउ विल यू ट्रेन अ पीपल फॉर फास्टिंग एंड प्रेयर? जब आपका इवेंजलिज्म मीटिंग्स बेरिस्टा कॉफी हाउस में है, और संडे के बाद आप कैफे कॉफी डे से आप ऑर्डर कर रहे हैं नाश्ता को, क्यों? अमेरिका से पैसा आ रहा है। एंड योर चर्च का कॉलिंग कार्ड इज ऑलवेज कॉफी कॉन्वर्सेशंस चर्च। ओ वाह, व्हाट अबाउट फास्टिंग प्रेयर डिसाइपलशिप? This is what has happened to church. Ranchi mein, you know, there was this very big church. Wahan pe unka calendar mein you will see that all good looking young people, jackets pehne hue, and they are holding hands and ekdam smile karke they are ready for posing for the camera. And sab log itna acha dikh rahe hain. And I wonder, mere hi church mein sab budha budhi log jo acha nahi dikhte hain. ये लोग अच्छे अच्छे सब एक से एक सुंदर लोग, कैसे प्रभु सब उधर चल गए, यहाँ कोई नहीं मिला।
कैसे आप बांटे उधर, सब अच्छा सुंदर लोग चल गए, यहाँ पे सब ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ पे पूरा ब्लैक जैकेट एकदम बाइकर गैंग जैसा एकदम, एकदम लग रहा है कि एज इफ इट्स लाइक मॉडल्स वहाँ पे खड़े हैं, यू नो, लेटेस्ट हेयर स्टाइल्स और बियर्ड स्टाइल्स और बाइक्स के साथ खड़े हैं, पास्टर भी खड़ा हुआ है एकदम टाइट टी शर्ट में, कहाँ हम लोग का चर्च कहाँ है इसके सामने, यू नो, बट दिस हैज व्हाट हैज बिकम ऑफ द चर्च, कि यू आर अट्रैक्टिंग पीपल टू व्हाट, कम टू अ ग्रेट फेलोशिप, जहाँ पे यू नो व्हाट यू विल मीट द बेस्ट फैशनेबल पीपल इन टाउन एंड दे आर ऑल क्रिश्चियंस, वाओ, उनके साथ तुम फोटो लोगे, उनके साथ डाल दोगे, विथ पास्टर सो एंड सो, विथ वर्शिप लीडर सो एंड सो, यू नो, विद द लेटेस्ट पोज एंड ऑल दैट, वाओ, चर्च भी मिल गया, इंस्टाग्राम में भी फॉलोअर्स आ गए, एंड उनका वेबसाइट का पेज नंबर 23 में फाइनली थोड़ा सा थियोलॉजी दिया रहेगा, जबकि पौलुस, यीशु मसीह, ये लोग कहीं भी जाते, उनका मेन चीज था, पौलुस बोला मैं एक ही चीज जानना चाहता हूँ, क्राइस्ट क्रूसिफाइड, मसीह क्रूस पे चढ़ाया हुआ, सबसे ऑफेंसिव चीज। इसे नहीं, लेकिन यीशु ने तो कहा कि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तभी लोग जानेंगे कि हम लोग यीशु मसीह के चेले हैं। हाँ, बट यीशु मसीह के चेले कोई बाइकर गैंग जैसा जैकेट उकेट पहन के सबके सामने फोटो नहीं ले रहे थे और सब जगह छाप नहीं दे रहे थे। उनका जो प्रेम था, दैट वॉज प्रोड्यूसिंग डिसाइपल्स, दैट वॉज प्रोड्यूसिंग मार्टर्स। पहला पत्र, सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों का 4:18, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुओं थोड़े ही दिन के हैं और अनदेखी हुई वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अगर पुराना मनुष्य तो हम लोग में जिंदा है तो हम लोग देखी हुई वस्तुओं से हम लोग का मन भरा रहेगा, करंट अफेयर्स, दिस दैट, नया नया चीज़ सब, हमेशा हम लोग का मन वो सब चीज़ों से भरा रहेगा एंड दिल खाली रहेगा। इट विल ऑल जस्ट बी चर्चा जो मुंह से निकल रहा है, इट नेवर बी बोझ जो दिल के अंदर है। यू नो, जब बोझ अंदर आता है ना तो इट्स मोर लाइक हैना, उसके मुँह से कुछ निकल नहीं रहा है लेकिन वो अपना प्रार्थना को ख़त्म नहीं कर पा रही है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? हैना का मुंह से कुछ शब्द निकल नहीं रहा था, मुंह बस हिल रहा था लेकिन वो उसका प्रार्थना खत्म नहीं हुआ है। यानी कि यू हैव रीच द एंड ऑफ योर वोकैबुलरी। यू नो, वी ट्राई फ्रेमिंग आवर प्रेयर्स, यू नो, सबके सामने एकदम अच्छा सुनाई दे। हैना का वोकैबुलरी खत्म हो गया लेकिन प्रार्थना खत्म नहीं हुआ। क्यों? बोझ अभी भी है, बोझ अभी भी हम खाली नहीं कर पाए। कैसे खाली करें? कैन यू सेंस समथिंग, थोड़ा सा भी उसका अपने दिल में, थोड़ा सा भी वो बोझ कि प्रभु मेरा शब्द खत्म हो जा रहा है लेकिन प्रभु हम घुटना से उठ नहीं पा रहे हैं, प्रभु हम अपना सिर उठा नहीं पा रहे हैं। प्रभु, ये तब होगा अगर अनदेखी वस्तुओं पे हमारा मन लगा हुआ है। पहला पत्रस का 4:1-2, सो जब मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो भी हम भी यही मनसा धारण करें। ओके, नेक्स्ट वर्स। हाँ, नो 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 नो, दूसरा पत्रस का 4, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा। चार का तीन, पहला पत्रस का 4:3, सॉरी, हम वर्स 1-2 बोले थे, वर्स 3, पहला पत्रस का 4:3, हाँ, यस, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुराइयों बुरी सॉरी लुचपन की बुरी अभिलाषाओं और मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने अपने पहले से समय गवाया, वही बहुत हुआ। सफिशेंट इज़ द टाइम जो आप
रेवेलिंग्स में बिताए। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस वर्ड रेवेलिंग्स, यू नो रेवेलिंग्स बेसिकली मीन्स हैंग आउट, यंग पीपल हैंग आउट, पार्टी, घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट, अनगॉडली एन्जॉयमेंट, अनगॉडली घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट, यहाँ पे बोला गया है सफिशेंट। नहीं लेकिन सफिशेंट नहीं हुआ है मेरे लिए। अगर आप एक भी दिन, यू इवन इफ यू इन योर एंटायर लाइफ वंस यू वेंट आउट, घूमे फिरे, अच्छा मौज मस्ती किया, गॉड इज सेइंग दैट इज इनफ, बहुत हो गया वो। वन एक बार भी काफ़ी है, गॉड इज सेइंग इनफ सफिशेंट। और उसमें अब डोंट स्पेंड योर टाइम्स इन रेवेलिंग्स, इधर उधर घूमना फिरना, पार्टी कल्चर, इनफ ऑफ ऑल दैट, इनफ ऑफ ऑल दैट। पुराना मनुष्यत्व को ये बहुत पसंद है, घूमना फिरना ये सब बहुत करना पसंद है। दैट इज द वर्ल्ड नो, संसार में पीपल लाइक दैट, घूमेंगे, लॉन्ग जर्नी, ये वो सब कुछ करेंगे। आई एम नॉट सेइंग ये सब में पाप है, लेकिन गॉड इज सेइंग कि इनफ, बहुत हो गया ये ओल्ड मैन का लस्ट, बहुत हो गया। नया व्यक्ति को क्या पसंद है? देखिए आपका पुराना मनुष्यत्व का आपका पुराना फ्रेंड्स पसंद रहेगा। ऑल यंग पीपल जो लोग पहले वर्ल्डली थे, लेट मी रिमाइंड यू, आप में से जो लोग भी पहले संसारिक थे, यू आर नॉट रिलीजियस, आप में से जो लोग भी पहले संसारिक थे, योर ओल्ड मैन लव्स योर वर्ल्डली फ्रेंड्स। लूक का 8:20-21, उसने उसको उत्तर दिया, उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। जो नया मनुष्यता है ओनली लव्स द बिलीवर्स, ओनली लव्स टू फेलोशिप विद द बिलीवर्स इज व्हाट आई मीन। जो नया मनुष्यत्व है उसके लिए परिवार, दोस्त, ये सब क्या है? कलीसिया के लोग। What about my earlier friends? I have only one thing to do with them. Preach the gospel. That's it. कि तुम्हारा दिल कहाँ गया? प्रभु को दे दिया। Really, I want to ask you, how can you have something in common? अगर आप मसीह में नया सृष्टि हो गए हैं, ठीक है, और अगर बीचों बीच में यीशु मसीह है, यानी कि आपका जिंदगी के लिए पहला चीज और प्रथम स्थान यीशु मसीह का है, राइट? प्रथम स्थान यीशु मसीह का है आपका दिल में। एंड यीशु मसीह के लिए महत्वपूर्ण चीज़ सब क्या है? प्रार्थना में समय, वचन में समय, वचन को ऊपर करना, वचन को मानना, वचन पे चिंतन मनन, ये सब चीज़ यीशु मसीह के लिए मेन चीज़ है। यानी कि आपके लिए भी रहेगा अगर आप नए सिरे से जन पाए और मसीह के साथ चल रहे हैं और मसीह आपके लिए प्रथम स्थान लेता है, राइट? नाउ हाउ कैन यू हैव कॉमन थिंग्स विद अनबिलीवर्स देन, राइट? If you say, Lord, I love you, yani ki you are also saying, Lord, I love, aapke saath prarthana mein samay bitana, aapke saath vachan mein samay bitana, aapke kalisya, aapka deh ke saath samay bitana, theek hai, aap automatically aap ye bhi keh rahe hain. Ab wahi vyakti kya cheez samanya pa sakta hai aur kya cheez kya sangati rakh sakta hai jo andhkar mein unke saath, because uska center jo andhkar mein hai uska center संसार है, अंधकार है, मेरा सेंटर ज्योति है। अब ठीक है, मेरे अतीत में हम लोग दोनों का सेंटर सेम था, लेकिन अब कोई कॉमनलिटी है ही नहीं, अब कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। अब मेरा एक ही चीज़ है, मैं तुम्हारा प्राण के बारे चिंता करता हूँ, दोस्ती के बारे उतना नहीं, प्राण के बारे, प्राण के बारे चिंता करता हूँ। एंड मेरा क्या जिम्मेदारी है? तुम्हारे लिए प्रेयर करना और तुमको प्रेम में सच्चाई बोलना। दैट्स द ओनली रिलेशनशिप आई हैव विद द वर्ल्ड एंड विद माय वर्ल्डली फ्रेंड्स। रिमेंबर आई एम इन दैट वेरी टाउन जहाँ पे मेरा स्कूलिंग हुआ है, एंड माय फ्रेंड्स आर स्टिल देयर, लेकिन सालों साल से मिले नहीं। जब मिले थे, जब वो लोगों को पता चला कि हम आए हैं, गए, गॉस्पल शेयर किए, बस आ गए। एंड उसके बाद दे न्यू कि अब उसका सेंटर मेरा सेंटर अलग हो गया है, अब वो व्यक्ति नहीं है। तो अंधकार और ज्योति में क्या मेल है, वो लोग को भी मालूम है, क्योंकि अब वो लोग वो सब चीज़ों के बारे बात करेंगे, वो सब मजाक करेंगे, वो सब चीज़ों में जिसमें मैं पहले दिलचस्पी पाता था, अगर वो सब कर रहे हैं, अचानक से वो मेरा चेहरा को देख रहे हैं, अब हम हंस नहीं रहे हैं,
अब हम वो बात को और बढ़ा नहीं रहे हैं, अब हम उस बात पे गर्व नहीं कर रहे हैं। What fellowship? हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर नहीं नहीं हम उसके साथ हम उसके साथ दोस्ती रखेंगे और उसको प्रभु में लाएंगे, यू कैनॉट गेट इन टू अ फेलोशिप एंड अ रिलेशनशिप विद देम, क्योंकि आप हाउ कैन यू फाइंड एनीथिंग कॉमन, यू कैन ओनली इवेंजलाइज। अगर कॉमन मिल रहा है देन आई रियली डाउट इफ क्राइस्ट इज फर्स्ट इन योर लाइफ। अगर यू आर फाइंडिंग कॉमन थिंग्स विद अनबिलीवर्स, आई रियली डाउट इफ क्राइस्ट इज फर्स्ट इन योर लाइफ। नहीं, क्या दोस्त के साथ बैठ के क्रिकेट देखना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, बट आई डोंट थिंक हम कोई भी अनबिलीवर के साथ बैठ के 4 घंटा 5 घंटा क्रिकेट देख सकते हैं विदाउट आधा घंटा के बाद आई बी लाइक अच्छा सुनो ना यार ये तो बेकार है, चलो कुछ डेप्थ का बात करते हैं। आई डोंट थिंक हम आधा घंटा से ज़्यादा सह पाएंगे, 1 घंटा तो छोड़ दीजिए। वाई? बिकॉज आई एम सीइंग कि वो इमोशनली इन्वॉल्व हो जा रहा है ऐसा चीज़ में जो बिल्कुल व्यर्थ है। कहीं ना कहीं हम उसको अनंत जीवन के बारे में कहीं ना कहीं से तो बताना शुरू करेंगे। आई कैनॉट गो फॉर लॉन्ग बाइक राइड्स विथ माई अनबिलीविंग फ्रेंड्स विदाउट स्टॉपिंग आफ्टर 5 किलोमीटर्स चाय के लेंस है, यू नो वट, लेट्स टॉक। आई कैनॉट, नहीं हो सकता है। आई कैनॉट इवन प्लान लंबा बाइक राइड में जाएंगे दोस्तों के साथ, अनबिलीवर फ्रेंड्स के साथ, जब रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो सकता है, वो लोग मर सकते हैं, और अगर हुआ तो मेरा डेस्टिनी अलग, वो लोग अलग। आई कैनॉट डू दैट। एंड डेफिनेटली द रिस्क इज शायद दोस्ती खत्म हो जाएगा, शायद तो हमेशा वो एक शायद तो रहेगा ही, बट आई एम विलिंग टू टेक दैट रिस्क, क्योंकि अब आई लव देयर सोल। और उनका प्राण को एक ही तरीका से ला सकते हैं, ये नहीं कि हर दिन उनसे बात करके, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कि उसके साथ घूमना फिरना करके, नहीं नहीं नहीं, लेकिन कम से कम एक बार सच्चा मसीहा को प्रकट करके, एक बार सच्चा मसीह। मेरा काम है गवाह बनना, परमेश्वर का काम है अगर हम सच्चा गवाह बने वो गवाही के द्वारा लोग को उद्धार देना। लेकिन अगर हम एक कॉम्प्रोमाइज लाइफ जिए, आई एम नॉट बीइंग एनी विटनेस। समय आ रहा है, आई एम टेलिंग यू, पॉलुस बोला कि दुष्ट आत्मा आएंगे और किसिम किसिम का गलत सिद्धांत लाएंगे। नाउडेज पीपल डोंट से जीसस इज द सेवियर, दे से जीसस इज माई सेवियर। नथिंग रॉन्ग विद दैट, बहुत सटल है। लेकिन शैतान भी ऐसा छोटा सा ही चीज को बदला था उत्पत्ति में और बोला निश्चय तुम नहीं मरोगे, जब परमेश्वर बोले तुम निश्चय मरोगे, थोड़ा सा चीज को बदल देता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीसस इज माय सेवियर एंड जीसस इज अ सेवियर? हाँ, जीसस इज माय सेवियर। लेकिन यही हिलसोंग बाइबल कॉलेज का लोग से जब पूछेंगे, से दैट जीसस इज द सेवियर सबके लिए एंड देर इज नो अदर ऑप्शन, नहीं, हु एम आई टू जज, देन व्हाट द हेक आर यू डूइंग इन अ बाइबल कॉलेज, एंड हु इज सेंडिंग मनी देयर, एंड हु इज टीचिंग ओवर देयर? They will all say Jesus is my savior, and हर एक व्यक्ति को, and या मैं विश्वास करता हूँ जीसस सबका सेवियर बन सकते हैं, लेकिन वो हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा। एंड वो लोग एकदम लंबा चौड़ा बताएंगे ये बोलने के लिए कि इट्स अप टू पीपल टू डिसाइड। नहीं, जीसस इज द ओनली वे टू सेल्वेशन एंड इट इज़ नॉट अप टू योर डिसीशन, इट्स नॉट अप फॉर आर्ग्यूमेंट। एंड जब वो लोग से पूछे अच्छा व्हाट अबाउट जूस, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, अच्छा व्हाट अबाउट अदर रिलीजन्स, मुस्लिम जना, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, एंड यू आर गोइंग टू बी अ प्रीचर? नो, देर आर बाइबल कॉलेजेस वेर दे ट्रेन यू टू बी अपोसल्स ऑफ सेटन। कैसे एकदम पॉलिटिकली करेक्ट हो ताकि लोग ऑफेंड ना हो, एंड आई एम टेलिंग यू ऑल यू नीड टू बी पॉपुलर इज गो टू दिस बाइबल कॉलेजेस, वहाँ पे दे विल रिमूव द ऑफेंस फ्रॉम द गॉस्पेल। वहाँ पे जो ठोकर है उसको वो लोग खींच के निकाल देंगे, एंड इट एक एक वर्ड यहाँ वहाँ बदल गया, थोड़ा सा थियोलॉजी यहाँ यहाँ बदल गया, एंड इट सडनली बिकम सो पैल्पिटेबल, इतना स्वादिष्ट बन जाता है वही गॉस्पेल।
एंड इतना लोग चर्च को भर देते हैं उसके बाद, इतना सक्सेसफुल बन जाता है वो गॉस्पल, एंड देन वो लोग 2 साल या 5 साल के बाद किताब निकालेंगे, ग्रोथ ऑफ सो एंड सो चर्च, ग्रोथ ऑफ सो एंड सो मिनिस्ट्री, कैसे 2 साल में 30 लोग से 500 लोग हो गया है. एंड लोग आई ऑल्सो वॉन्ट दैट फॉर माई चर्च. नो बाबा, आई डोंट वॉन्ट दैट फॉर माई चर्च. आई डोंट वॉन्ट टू रीड दोज बुक्स. सब बेबिलोन है. बेबिलोन में ही तो वो लोग डिसाइड किया हम लोग को बड़ा होना है. यीशु मसीह का डिसाइपल्स को देखे, शुरुआत में कितना था और अंत में कितना था. आई वॉन्ट दैट मिनिस्ट्री जो जेन्युइन जेरूसलम है. जेरूसलम मिनिस्ट्री बनाना है बस. आई डोंट वॉन्ट कि 2 साल में. दीज बुक्स आर वेरी अट्रैक्टिव, सीक्रेट्स टू चर्च ग्रोथ. मेल्स में आता है द पर्पज ड्रिवन चर्च, हाउ टू ग्रो योर चर्च, हाउ टू ग्रो योर मिनिस्ट्री. बेकार. एंड हम एक बार बस आई वॉन्ट टू रीड दिस. लोग क्या कोई भी वर्ड्स दिया होगा क्या? तो कुछ वर्ड्स उसने दिया, लिखा था कि चर्च में जो आपका स्पॉन्सर्स मतलब जो ज़्यादा डोनेशन देते हैं उनको डिनर के लिए बुलाई. सिर्फ यही रह गया है. दैट वॉज द फर्स्ट पॉइंट कि जो लोग ऑफरिंग देते हैं उन लोग को आई एम नॉट सेइंग कि डिनर में नहीं बुलाना चाहिए, बट ये मकसद कि लुक एट पीपल अकॉर्डिंग टू वो लोग कितना ऑफरिंग देते हैं. हॉरिबल. वो लोग जिंदा है क्योंकि पुराना नियम नहीं है, क्योंकि देर आर मेनी सर्वेंट्स ऑफ गॉड जो लोग फिनियास का जील के साथ आर पार, एंड देर आर मेनी डॉटर्स ऑफ गॉड जो लोग जैल का जील के साथ आर पार. But naya niyam mein we still have to have that same zeal and take it in prayer. And I'm telling you, God will give you verses from the Bible which are powerful verses jisko aap prayer kar sakte hain against this kind of blasphemy jo Yeshu Masih ka naam mein chal raha hai. Purana vyakti ko purana dost pasand. You know why? Kyunki jo aapke purane दोस्त है ना, पुराना मनुष्य तो आपको कहेगा सी तुम्हारे पुराने दोस्त तुमको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ तुमको कितना अच्छा लगता है, इसमें तुम कुछ हो कि तुम सच में मतलब तुम्हारा कुछ वैल्यू है, तुम कुछ हो उनके बीच में. चर्च में तुमको हमेशा गिल्टी लगते रहता है, चर्च में तो तुम कुछ नहीं हो और कुछ नहीं रहोगे. नीति वचन का 27:21 जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी. हाउ डज गॉड टेस्ट मैन? थ्रू प्रेज. मैन वुमन ऑल्सो, ठीक है. एंड डोंट यू लॉन्ग फॉर प्रेज? The ones who are, जिलों का पास्ट वर्ल्डली था, they long for worldly praise, worldly लोगों के बीच में praise. जो लोग पहले religious थे, वो लोग religious crowd में praise चाहते हैं. लेकिन at the end, पुराना मनुष्य तो क्या चाहता है? And परमेश्वर बोल रहा, उसी के साथ हम तुमको test करेंगे. And पुराना मनुष्य तो बोलेगा, देखा, तुम्हारे पुराने friends के बीच में तुम्हारा कितना इज्जत होता है, चर्च में तो कोई तुमको देखता तक नहीं है. पुराने फ्रेंड्स तुमको क्या क्या बोलते हैं, हीरो, स्मार्ट, ये वो, खूबसूरत, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, अरे टॉपर, ये वो, क्या क्या नहीं बोलते हैं हम लोग को, अच्छा अच्छा चीज़ सब बोलते रहते हैं. अरे तुम्हारा, तुम्हारे बिना पार्टी तो कुछ नहीं है, तुम ही पार्टी का जान हो ना. एंड वर्ल्डली पीपल जो लोग पास्ट में वर्ल्डली थे, वी लाइक इट नो, जब ऐसा तारीफ मिलता है. रिलीजियस पीपल सैक्रिफिशियल, आप एक एग्जाम्पल हैं चर्च के लिए, यू नो, थिंग्स लाइक दैट. स्पिरिचुअल प्रेजेस, एंड वो अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है. एंड गॉड इज सेइंग, बेटी, बेटा, तुमको टेस्ट कर रहे हैं हम टेस्ट कर रहे थे तुमको. दिल फूल गया ना, थोड़ा सा हवा भर गया ना अंदर. अरे रैंकर, हवा थोड़ा सा भर गया ना जब लोग रैंकर बोले, जब ये बोले, जब वो बोले. एंड
थोड़ा जैसे भरा, गॉड इज सेइंग, आई वाज टेस्टिंग यू, आई वाज टेस्टिंग यू। अरे आज तो निकाल लिया तुम इतना अच्छा से, आज तो अच्छा, आज तो तुम बहुत अच्छा लिखी होगी, तुम्हारा एग्जाम, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। गॉड वॉज टेस्टिंग।